जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2024 का रिजल्ट घोषित हो गया है, ऐसे में बलिया के लाल ने जिस प्रकार से इंटर में कमाल किया वो कहीं ना कहीं आज के युवाओं में जोश, उत्साह और उमंग भर गया। बताते चलें कि बलिया जनपद के घोरौली निवासी मेहदी हसन ने चूड़ी कंगना बेचकर आज इंटरमीडिएट में वह सफलता हासिल की जिसकी चर्चा पूरे जनपद में होने लगी। आइए जानते हैं घर का सारा काम काज करते हुए चूड़ी कंगना बेचकर इस छात्र ने कैसे इतनी बड़ी सफलता पाई है। मैरून, अच्छा मैरून, राहुल लड़का के नाम का मेहदी हसन। घर के कामों करता रहन, पढ़ तो रहन और घरों के काम करता रहन, मन लड़का तब कैले बा हम खुश बनी। हमारा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन है। अच्छा, बेटे का नाम? बेटे का नाम मोहम्मद मेहदी हसन। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसे पढ़ाई लिखाई किया? पढ़ाई लिखाई उसी तरह से किए कि जैसे दुकान पर रहते हैं, अपना बिक्री वगैरह करते हैं, उसी से फीस देते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, अपना मेहनत अपना दुकाने में करते हैं और पढ़ते हैं। आज कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा बेटा बहुत मेहनत करके पढ़ करके आगे बढ़ा है, जिला में टॉप है, बहुत खुशी की बात है। मेहदी हसन नाम। कहाँ कर रहा है? घरौली नारायणपुर। यूपी बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम दिए थे जिसमें 96.4% आया है और मार्क है 482 नंबर। कहाँ पढ़ते थे? गांव के बगल में एक विद्यालय है, उसका नाम गंगा बिहार इंटर कॉलेज है। उनके प्रिंसिपल सीमा श्रीवास्तव जी है, उनके ये पढ़ते थे। वही पढ़ते थे? जी। तो कैसे पढ़ाई लिखाई होती थी? पढ़ाई लिखाई ऐसे ही होती थी, दुकान भी चलाते थे, पढ़ते भी लिखते थे, उसी में समय निकाल कर पढ़ते थे और दुकान भी चलाते। ये अपना ही दुकान है। दुकान? हाँ। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी भी दुकान पर रहते हैं, अभी चूड़ी बेच रहे थे, देख लो। अच्छा, भैया यही है, दुकान ही रहते हैं, दुकान पर ही रहते हैं और पढ़ते भी हैं। हमारे सफलता के पीछे मुख्य माता पिता और एक मेरे भाई है, उनका विशेष योगदान रहा है, और इस तो अध्यापक है, और फिर एक अजीत सर है जो उन्होंने मुझे गाइड किया है और यहाँ तक पहुँचाए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सपना है? सपना है कि डीएम बनेंगे। हाँ, आईपीएस बनेंगे और दिन रात मेहनत कर कर आईपीएस जरूर बनेंगे और अपने गांव क्षेत्र की व्यवस्था को सुधारेंगे, जो भी पिछड़े जात के उनको आगे बढ़ाएंगे। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।